लेकिन वो सीने अच्छे थे, बोले कोई बात नहीं घबरा मत, हो जाता है गलती, मान लेना उसमें क्या है। मैंने कहा पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं मैंने तो डेफ से कनेक्ट किया था, रोया नहीं मैं, बट हाँ मुझे बुरा नहीं लगा, मैं डेफ से कनेक्ट किया था, पता नहीं प्रोडक्शन से कैसे, पता नहीं क्या होता है ये सब उल्टा सीधा इसमें। मैं ये उनसे क्या, वेलकम टू क्रेजी क्लाउंस, होप एवरीवन इज डूइंग वेल, सब लोग कुशल मंगल हो। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं दोबारा से एक फ्रेशर्स के बारे में। आज का वीडियो फिर से एक फ्रेशर का एक्सपीरियंस के बारे में होने वाला है, ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं कि एक फ्रेशर का पहला जो कोडिंग एक्सपीरियंस होता है वो कैसा रहता है, ठीक है। तो इनके मुंह से इनकी जुबानी सुनेंगे, इनके इनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, और सुना है मैंने बिहाइंड द सीन की बहुत ही इंटरेस्टिंग से बातें हैं, बहुत बड़ी मज़ेदार किस्से हैं, तो वो आप तक हम लाना चाहते थे। तो ये किस्सा ज़रूर टच करेगा सबको, ऑल दो शायद बहुत सारे फ्रेशर्स को वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट ये किस्सा टच ज़रूर करेगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये किस्सा कुछ इस तरीके से है कि सवाल तो पूछने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए पूछ लीजिए। ओके, ये मैनेजर की क्या है कुछ ये होती है कि मतलब बोलने की इनको बहुत आदत हो जाती है ना धीरे धीरे करके, तो ये सवाल कम सुनते हैं, इनकी लिसनिंग स्किल थोड़ी पुअर हो जाती है। आपको ऐसा लगता है, आप लगने से कुछ थोड़ी चल रहा दुनिया ये, ठीक है। तो सवाल हमारा ये है कि आपका जो पहला बिंग फ्रेशर है ना, आपका जो पहला कोडिंग एक्सपीरियंस था उसके बारे में हमें दर्शकों को जो आपने मज़ेदार कहानियाँ किस्से जो हमें बता रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए यार इस पॉडकास्ट में। थोड़ा सा प्रकाश डालो, कहाँ है मोबाइल, थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया। अरे 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 अरे, बहुत खूब बहुत खूब, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, करीब 16-17 साल पहले की बात है। तो मैंने ऐसे फ्रेशर ज्वाइन किया कंपनी में, एक बड़ी आईटी एमएनसी थी वो है, इसमें मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मेरे भी ट्रेनिंग हुई, टेस्ट हुए, मैंने क्लियर करे, और समाओ सब कुछ क्लियर करके प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो गया। अब प्रोजेक्ट में जब गया, कैसे जाते हैं सबको, आपको सब बताया मैंने अभी तक हम लोगों ने इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। तो प्रोजेक्ट में गया तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे, कुछ साथ वाले थे, कुछ सुपर सीनियर्स थे, कुछ मैनेजर्स थे, तो हर तरीके के लोग थे। बट हमको डर नहीं लगता था, क्योंकि हमको पता था कि हमको तो कोई टेंशन नहीं, हम तो अभी नए सीख के आए हैं, और हमको सीनियर्स जो इमेज सीनियर्स थे वो भी अच्छे मिले थे वो आज तक हमारे मित्र हैं। तो जब हमने ज्वाइन किया तो शुरू में हमको बोला गया ये एप्लीकेशन है, इसको समझो, वेबसाइट हुआ करती थी उस टाइम में, तो उसको समझो, सीखो, थोड़ा टेस्टिंग करो, थोड़ा समझो, टेस्टिंग करोगे तो सीख पाओगे कि एक एप्लीकेशन कैसे चलती है, या टेस्ट करोगे, ये ट्राई करोगे, वो ट्राई करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, यहाँ क्लिक वहाँ क्लिक, तो आपको एप्लीकेशन के बारे में दिमाग में बैठेगा। तो टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग मतलब फंक्शनल फ्लो की टेस्टिंग या फिर डीबगिंग करनी? नहीं नहीं, फंक्शनल फ्लो। अच्छा, वो करो, और पहले वो दिया, फिर उसके बाद बोले चलो कोड देखो, सीनियर के साथ बैठो, उनके साथ कोड देखो, सीनियर आपको कोड दिखाएंगे, समझाएंगे, है ना। तो ऐसा होता था कि उस समय ASP.NET चलती थी, और ASP.NET और C# या VB.NET और पीछे बैकएंड में SQL, तो इन और जावास्क्रिप्ट, ASP.NET के साथ जावास्क्रिप्ट चलती थी। तो पहले हमको बोला गया चलो C# कोड समझाते हैं, अब बनी बनाई एप्लीकेशन ऑलरेडी थी, तो C# का थोड़ा बहुत कोड समझाते थे, SQL का कोड समझाते थे ना, और ऐसे करते करते जावास्क्रिप्ट भी सिखाया हमको। हमको जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्ट आया, और हमको जावास्क्रिप्ट में थोड़ा टाइम बाद आया, लेकिन आया इंटरेस्ट। बट उसके पहले क्या हुआ, थोड़े सब देखते देखते बोर होने लगे, तो एक बार सुबह सुबह उठे, एक फ्लैट में रहते थे हम लोग, सेम बैचमेट्स थे, 5 लोग रहते थे 2BHK में, और सब लोग चले गए ऑफिस, हमारा मन नहीं था, हमने कहा नहीं जाते यार, बोर हो रहा है ऑफिस जाके, तो हम नहीं गए। हमारा मैनेजर, हमारा जो लीड था ऑफिस में, वो देखा कि अरे आज तो ये आए नहीं है, ये क्लाउन तो आए नहीं आज, तो उसने हमको फ़ोन लगाया। हमने मैसेज डाल दिया था लेकिन सुबह कि है ना, हमारे पैर में चोट लग गई है, हमारे पैर में चोट लग गई है, तो आज हम नहीं आएंगे ऑफिस, हम चल नहीं पा रहे, हमने ये लिखा मैसेज में प्रॉपर। तो मैनेजर का फ़ोन आया करीब 12 बजे कि यार
हमारे लिए ना एक काम आया मस्त, ASP.NET में ये बटन, ये कॉम ड्रॉप डाउन और ये कंट्रोल लगाने हैं और इसका पीछे मेथड लिख के इसको पूरा एंड टू एंड चलाना है। अब हमने इससे पहले कभी किया नहीं था, ये समझ ही रहे थे। अब जो हमने देखा सुना, अरे दिमाग में क्लिक करा यार, ये तो बढ़िया काम है यार, ये बटन मैं बनाऊंगा, ड्रॉप डाउन का डेटा लेके जाऊंगा, पीछे लेके जाके सेव कराऊंगा। काम इंटरेस्टिंग आपको लगा हुआ है? हमको लगा हुआ इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग था, आज भी वो इंटरेस्टिंग होगा किसी नए फ्रेशर के लिए, जिसने कुछ नहीं किया आज भी इंटरेस्टिंग है चीज़ उसके लिए, बिकॉज ही दैट फ्रेशर विल गेट टू सी वॉट ही इज डूइंग, हाउ इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, हाउ इट इज यू नो इट इज गोइंग थ्रू द एंटायर फ्लो, वो इंपॉर्टेंट है। और जब पूरा देखने को मिल जाता है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। हमने एक सोचा यार, हाँ यार बढ़िया काम था, तो हमने कहा, तो हमसे बोला वो लीड, देख ले आ जा, नहीं तो ये किसी और को देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है आते हैं हम। उसके बाद रेडी हुए, ऑफिस पहुंच गए, हाफ एन आवर में ऑफिस पहुंच गए। और ऑफिस जाने के लिए हम मुंबई में रहते थे उस समय, ऑफिस जाने के लिए वहाँ पे रनिंग कैब बहुत मिलती थी। रनिंग कैब मीन्स नॉर्मल जो लोग गाड़ी भी चलाते हैं, नॉर्मल में गाड़ी, वो भी लिफ्ट देते थे 10-10 rupees लेके। फटाफट पहुँच गए हाफ एन आवर में हम, हाफ पहुँच गए। हमने कहा हाँ बताओ हम करेंगे। तो हमारा लीड हमसे बोला, तुम्हारे तो चोट लगी थी पर में। वो अब हम क्या करें, हम तो एक्सपोज हो गए, हम सोचेंगे रंगे हाथ पकड़े गए, मतलब हाँ हम तो रंगे हाथ पकड़े गए। हाँ। तो हमने बहाना मारा, हम पकड़े गए। हमने कहा हाँ वो लगी तो है, कह रहे मैं तो तुम वहां से डोर से घुसता देखा मैंने तुम्हें, कहीं लंगड़ाते हुए नहीं आए, तुम तो लंगड़ाते नहीं आए, तो तुम्हारा कैसे चोट लगी थी? अंदर मसल, मैंने कहा नहीं वो हुआ था, मैंने थोड़ा सा पैर झटका और ऐसे ऐसे करके मैं आ गया, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत है, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि ना देखे, ताकि कोई देख ना ले, पकड़ ना ले। वो बोला देखो मेरे से होशियारी मत करो, मैं ये सब जानता हूँ, है ना। बोले बताओ क्यों नहीं आए थे? मैंने बोला चोट लगी थी और थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था। क्या अच्छा मन नहीं कर रहा था, चोट तो नहीं लगी थी। वो पूरी बात निकलवा लिया मुझसे। बोला चलो, मैंने तुमको झूठ बोल के नहीं बुलाया, काम है ये लोटा, उसने दिया मैंने कर दिया। बड़ा मज़ा आया मुझे, बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये इससे ये भी मुझे पता चला कि वो जो लीड है ना मेरा, उसको सब पता है, जिसमें हमने पिछले पॉडकास्ट में बात किया था कि लीड को आपके लीड को सब कुछ पता होता है। आप कितना शान पट्टी करो उसको सब पता है। तो काइंड ऑफ जो हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में एक काइंड ऑफ हमने ओवरव्यू दिया था, एक मतलब थ्योरी पर बात करी थी, आज इसका हमने लाइव एग्जांपल भी देखा। मैंने हाँ उसका लाइव एग्जांपल दे दिया आज है। यस, तो ये मेरे साथ हुआ है, दिस हैज हैपेंड विद मी। सो गाइस, अगर आपने ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको रिलेट करना है, तो हमारा एक पिछला पॉडकास्ट जो है प्रीवियस पॉडकास्ट, हम आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, पॉडकास्ट फोर यस, वो आई बटन पे हमारे क्लिक कर सकते हैं, अभी राइट साइड में आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो काम करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो पहला काम था। उसके बाद मेरा लीड बोला कि देख, और एक दिन और बोला, नेक्स्ट डे बोला ये जो काम है ये और उससे बड़ा काम है। उसने बोला ये फंक्शनैलिटी चेंज है, ये ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है ना, तू ऐसे ही काम यहाँ कर दे। तो वहाँ पे कुछ चेंज करना था, कुछ कमेंट करना था, कुछ डिलीट करना था, तो मैंने क्या करा, वो फंक्शनैलिटी कॉपी पेस्ट कर दी, थोड़ा सा ID चेंज कर दिए और कोड डिलीट कर दिया और चेक इन कर दिया। मैंने कोड डिलीट कर दिया, वो डिलीट कर, कुछ कोड डिलीट करना था जो अच्छा। बोला था यहाँ से देख के ऐसे काम कर देना, यहाँ पे वहाँ से देख के मैंने ऐसे काम कर दिया, तो मैं डिलीट कर दिया। मेरे लीड बोला हो गया, मैंने हो गया, चेक इन कर दिया टेस्ट एनवायरमेंट चला गया। वो चलाए, बोले वहाँ से रिपोर्ट आ गई टेस्टिंग की, बोले ये तो एक पेज गायब हो गया। बोले तो पेज गायब हो गया, फंक्शनलिटी गायब, बटन गायब, पूरा बटन की फंक्शनलिटी गायब। बोले कहाँ गई, क्या हुआ? अपन चाय पी रहे हैं, अपना मस्त बैठे हैं, हाँ अपने बातें कर रहे हैं दोस्तों से, क्या चल रहा है, अरे मैं तो कोड कर दिया ये वो, मैंने कोड कर दिया, मैं तो मिनटों में कोड कर देता हूँ, मैं तो तेज हूँ, मैं तो मिनटों में कोड करता हूँ। दोस्त कह रहे यार तू तो बहुत तेज हो गया, तो सब सीख गया यार, अच्छा लग रहा अपने आपको अंदर से ना, यार हम तो हाँ सीख तो गए, फटाफट कर देते अपन काम। पीछे से लीड आया मेरा, बोला मैं क्या हुआ, बोला ये कोड चेंज तूने किया ना, हाँ मैंने तो किया, आपने बोला था ना। बोले यार ये तूने सब डिलीट कर दिया, एडिशन तो किया तूने, पिछला को डिलीट कर दिया, मैंने आपने तो बोला था वैसे वैसे करना है, कह लेकिन मैंने ये भी तो बोला था कि एग्जैक्ट वैसे नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, मैंने ऐसे ही कर दिया। अब टेस्टिंग में बिखर गया सर, फिर से मैंने चेंज करना पड़ा, फिर से गया, बवाल हुआ उसका,
अप्रूवल हुआ फिर जाके मर्ज कराया गया, तब मैनुअल चलता था इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी ज़्यादा होती है। ये मेरा दूसरा कोडिंग एक्सपीरियंस था। तो कॉपी करने की वजह दूसरी जगह से आपने डिलीट मार दिया होगा। कॉपी तो किया वहाँ से लाया, यहाँ का पूरा डिलीट कर दिया, पूरा नहीं करना था, कुछ पार्ट रिप्लेस करना था। रिप्लेस तो ये अक्सर गलतियाँ होती हैं मुझे लगता है बिल्कुल। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उसमें रहते हैं कि हाँ यार ऐसे ही तो है सिंपल, ये चीज़ें पूरी हटाओ, एग्जैक्ट रिप्लेस कर दो उसको ना पूरा। यस यस। तो ये थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ का ध्यान भी दीजिएगा आप जब अपने प्रोजेक्ट्स में करिए काम। यस, कॉपी पेस्ट में भी अपना दिमाग जरूर चलाइए। तो पहला वाला एक्सपीरियंस आपको यूआई का बताया मैंने, दूसरा एक्सपीरियंस आपको मिडिल लेयर का बताया। अब आपको मैं डेटाबेस का बताता हूँ, उसका भी होता था पहला कोडिंग, वो भी मज़ेदार था। मेरे सीनियर थे, वो मेरे को बताते थे हाँ देखो ये सीक्वल में ऐसे लिखते हैं, क्वेरीज स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं, और ऐसे ऐसे क्लीन करना है, ऐसे ऐसे डिलीट करना है, ये करना है वो करना है। तो हम लोग सीक्वल में कनेक्ट कर लेते थे सर्वर डेव का, है ना, और वहाँ होते हैं डेव क्यूए प्रोडक्शन करके होते हैं, तो हम डेव को कनेक्ट करके काम करते थे, डिलीट करते थे डेटा, करते थे ऐड कर देते थे, लेकिन प्रोडक्शन पे नहीं करते डायरेक्ट, है ना। तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक मैंने कर दिया। मैंने एक जगह डिलीट चला दी, डिलीट फ्रॉम टेबल विदाउट विदाउट कंडीशन, और चला दी प्रोडक्शन। इसके लिए तो भाई कोई इसकी माफ़ी नहीं है, इसके लिए तो भाई ये करने के लिए वो प्रोडक्शन चला दी मैंने। अब मैं चला के बैठा हूँ और समय है रात के करीब 9 बजे। मेरे सीनियर बैठे काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ चेक करना है, प्रोडक्शन पे गए वो, बोले सारा डेटा क्यों नहीं आ रहा है, टेबल ही गए सब गए, बोले डेटा क्यों नहीं आ रहा है, जाके देखे टेबल में डेटा नहीं। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, बोले कम से कम 1.5-2 लाख रिकॉर्ड थे उसमें। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है कि डेटा नहीं। बोले इधर यहाँ पे ये बोले इधर सुनो, आपका ये एक्सेस था आपको प्रोडक्शन पे कुछ रन करने का, हुआ करता था क्या ऐसा, जैसे आजकल क्या कि एनवायरनमेंट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ना। अरे तो आपको अगर पासवर्ड पता है ना, तो आप सर्वर में कनेक्ट करके कर लोगे, तब सिक्योरिटी इतनी नहीं होती थी। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब मैं अभी टाइम में रिलेट कर रहा हूं, तब सिक्योरिटी फायरवॉल रूल ये सब नहीं होता था इतना। ओके ओके, कनेक्शन होता सीक्वल यूजर होता था, अभी एडी अभी तो एडी ये सब थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, बट सिंपल एक यूजर ने पासवर्ड से कनेक्ट हो जाता था। अब वो मैंने उनसे ले रखा था, मेरे को दे रखा था, वो एक्चुअली वो मेरे सिस्टम पे काम करने आया था, कुछ छोड़ गया एक जगह लिख के, मैंने चला लिया, मैंने कनेक्ट करके देखा था, मैं चेंज करना भूल गया उसको, और डिलीट करी चला दी। वो मेरे पास आए, बोले इधर आओ। मैंने क्या हुआ, कह रहे तुमने वो डेब में तुमने डेटा क्लीन करा इसका। मैंने हाँ डेब में मैं डेटा क्लीन किया। कह रहे दिखाओ सिस्टम पे आया, कह रहे दिखाओ कहाँ करा है दिखाओ। मैंने अरे करा ना मैंने, मान भरोसा क्यों नहीं कर रहा, कह रहे मुझे दिखाओ। मैंने देखो, कह रहे हाँ क्वेरी तो सही चलाई है। मैंने कहा और क्या सीख गए हम, मैंने एक बात है, तो बोले ये जरा देखो किससे कनेक्टेड है ये, कौन से सर्वर से। मैं देखा, मैंने कहा डेव है, कह रहा देखो तो वो था प्रोडक्शन। मैंने कहा है ये कैसे प्रोडक्शन से कनेक्ट हो गया, मैंने तो डेव से किया था। किया मैंने डेव से था, हो गया प्रोडक्शन से। कह रहे तो मैंने कर दिया तुम्हारे सिस्टम पे। मैंने कहा नहीं मैंने सच में डेव से किया था, पता नहीं कैसे हो गया प्रोडक्शन पे। कुछ तो बोलना है ना, उस समय अंदर से फट गई, कुछ तो बोलना है ना। अब अपनी बचाने के लिए आदमी क्या करेगा, कुछ तो बोलेगा है ना, तो अपनी बचाने के लिए क्या करे आदमी, तो कुछ तो बोल रहा, कुछ भी अंटसेंट जो आ रहा है मुंह बोल रहा है। तो बोले कोई और कर गया, लेकिन वो सीने अच्छे थे, बोले कोई बात नहीं घबरा मत, हो जाता है गलती, मान लेना उसमें क्या है। पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं मैंने तो डेव से कनेक्ट किया था, रोया नहीं मैं, बट हाँ मुझे बुरा नहीं लगा, मैं डेव से कनेक्ट किया था, पता नहीं प्रोडक्शन से कैसे, पता नहीं क्या होता है ये सब उल्टा सीधा इसमें। मैं ये उनसे कह रहा हूँ ये सब उल्टा सीधा क्या होता है यहाँ पे, मतलब अपनी गलती नहीं मान रहा हूँ मैं, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। वो समझ गया, वो भी एक्सपीरियंस था भाई, उन्होंने भी किया। और तो उन्होंने क्या करा, उनके उन्होंने एक दिन पहले डेटा कॉपी करा था। अच्छा। हाँ प्रोडक्शन से अपने लोअर एंड एक्सपोर्ट किया, हाँ वो उन्होंने वहाँ से अपलोड कर दिया। अच्छा। और वो चीज़ चल गई, बच गया मैं। इनकेस अगर नहीं किया, उन्होंने मेरे को सेव किया, और उन्होंने मेरे को सेव किया, और मैं आज तक मेरे मित्र हैं, मैं आज तक उनको बहुत मानता हूँ। तो शायद वीडियो भी देख रहे होंगे मेरा ये, तो वो जो जो भी हैं वो समझ जाएंगे जब मेरी बात सुनेंगे। तो अभी मैं एक किस्सा ऐसा सुनाना चाहता हूँ, वो भी एक मज़ेदार किस्सा है। तो जब मैं फ्रेशर था, तो मैं अपना काम तो मैं सीख गया, जो मैंने किस्से सुनाया सब किए मैंने हरकतें,
लेकिन उसके साथ साथ मेरे को अप्रिशिएट करते थे लोग, बिकॉज मेरा क्या नेचर था, मैं अपने काम तो कर लेता था लेकिन दूसरों की हेल्प करता था, डेवलपमेंट में नहीं टेस्टिंग में। तो उसको बहुत सारे लोग उसको चुल्ल समझते थे कि मेरे अंदर चुल्ल है। तो मैं क्या करता था, जैसे जो सीनियर डेवलपर्स थे वो क्यू में भेजते थे एप्लीकेशन, कहते थे हाँ क्यू टीम टेस्ट कर लो, तो मैं भी खोल के जाता था क्यू वाला खोल लिया, ये कुछ भी उल्टा सीधे करता था, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में ये वाली सिलेक्ट करूँगा, ये वाली सिलेक्ट करूँगा क्या होगा, और सुनो ऐसा करूँगा कि ये वाला कंट्रोल जब तक क्लिक करके लोड हो रहा है तब तक कुछ और करूँगा मैं, तब तक ये वाला कंट्रोल कर दूंगा, है ना, अब ये कंट्रोल भी छेड़ दूंगा, देखिए कैसे बिहेव कर रहा है। तब तो उतना एसिंक्रोनस प्रोग्राम नहीं, अरे फट जाता था ब्रेक हो जाता था, फंक्शनलिटी वियर्ड बिहेव करती थी, और फिर मैं कहता था ये इशू आ रहा है, मैं फटाफट उस समय कम्युनिकेटर होता था, कम्युनिकेटर बोलते थे है ना मैसेंजर को, हाँ वो सब नहीं था, कम्युनिकेटर था माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें डाल देता था कि ये फट गया है ना फोटो के साथ, ये ब्रेक हो गया मतलब। अब लोग सोचते थे यार ये क्या है, उधर से वो सीनियर फिक्स कर रहा है, कह रहा फिक्स हो गया, मैं फिर से कोई इशू निकाल दे रहा हूँ, सब मुझसे परेशान कि भाई ये आदमी ऐसा आदमी है, ये क्यों इतना इशू निकाल रहा है, सारे टेस्टर नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा टेस्टर टेस्ट करते थे स्क्रिप्ट के हिसाब से, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ये रिजल्ट आएगा, मेरे को स्क्रिप्ट ही नहीं चाहिए, मैं तो रैंडम फाड़ रहा हूँ, मैंने बहुत रैंडम फाड़ा। और ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट में जब टेस्टर्स होते हैं ना, कई बार वो गलतियां आपकी पकड़ नहीं पाते, लेकिन कोई नया बंदा फिर जैसे हाँ, डिजाइन होता है जो रैंडम तो, करेगा वही हाँ, पकड़ेगा आपकी गलतियां, वो तो लिखा लिखा करेंगे हाँ, वो लिमिटेड करते हैं, दैट इज लिमिटेड। और हम तो कुछ भी फाड़ रहे थे, कुछ भी यूआई तो मैंने बहुत ज़्यादा फाड़ा। ऐसा होता था पूरा ग्रेड आता था, ग्रेड में मल्टीपल रो आते थे उनके, कि चेकबॉक्स होते थे। और इसमें ऐसा भी नहीं कि एक डेवलपर की गलती है, कई बार इतने सिनेरियोस होते हैं, इतने है ना, इतनी आउट ऑफ बाउंड वैल्यूज होती है ना, एज केसेस होते हैं कि कई बार मिस हो जाते हैं, मतलब कई बार हो जाते हैं, मैं एज केसेस की बात ही नहीं, मैं तो इसमें ये नहीं है कि मतलब डेवलपर की कोई गलती है, डेवलपर बेकार है या फिर वो कोड नहीं करना आता, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतने सिनेरियो होते हैं, आदमी मिस हो जाता है। मैं तो ऐसा करता था, ग्रिड होता था डेटा के लिए, डेटा पॉपुलेट करना, ग्रिड होता था टेबुलर फॉर्मेट में, उसमें ग्रिड में हर पहले कॉलम में चेकबॉक्स होते थे, सब फील्ड को सेलेक्ट करके कुछ सबमिट करना है कुछ करना है, तो सबसे ऊपर वाले को चेक करता था, सारे चेक हो जाते थे है ना, फिर नीचे वाले को एक बीच में अनचेक करता था, सारे एक एक करके अनचेक कर देता था है ना, जब सारे एक एक करके अनचेक कर दिए तो सबसे टॉप वाला वो अनचेक क्यों नहीं हुआ अपने आप, अरे हो जाना चाहिए ना, इशू बना दिया मैंने, वो बेचारे फिक्स कर रहे, मैंने बहुत कराया ऐसा, बहुत हार्ड टाइम दिया मतलब आपने, बहुत ज़्यादा मेरे को चुल्ल थी, क्योंकि मेरे को जावास्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगती थी उस समय और ये सारा काम जावास्क्रिप्ट में होता था, मैंने बहुत किया ये, मैंने इसको उस लेवल तक कर दिया कि सारे जितने सीनियर डेवलपर्स थे सब परेशान, वो वहाँ से फिक्स कर रहा, कह रहा फिक्स हो गया, मैं कह रहा नहीं हुआ, वो कह रहा मैं कह रहा हो गया, मैं कह रहा चल मैं आ रहा हूँ सीट पे, मैं जाके दिखा दिया तो कैसे कर फट गया, कह रहा यार वो अपना सर पकड़ ले यार, अब मैं क्या करूँ, वो फिर फिक्स करे, मैं कहूँ मैं फिर से फाड़ दूँ, मैं कह रहा नहीं फिक्स हो गया, मैं कह रहा देखो ये देखो नहीं फिक्स हुआ, यार कहाँ जाए, ऐसी स्थिति थी उनकी, ले तू ही फिक्स कर ले, नहीं बोलते नहीं, 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 नहीं फिक्स कर ले, मैं तो अपना ये और ये कब करता था मैं, रात में 9, 10, 11 बजे सब टीम बैठी काम कर रही, मैं सबकी टेस्टिंग करके उनका टाइम और ख़राब कर रहा हूँ, उनका काम बढ़ा रहा हूँ, उनका टाइम काम बढ़ा दिया मैंने, और अपने मस्त रात में 11:30 तक काम करता था, तो बड़ी मिलती होगी सब इश्यूज निकाल के फिक्स होने में, जबरदस्त ऐसा लगता था मैंने इन सबको काम पे लगा दिया, और 11:30 तक काम करता था, उसके बाद एक आधा एक घंटा टीटीवी खेलता था रात में दोस्तों के साथ, बैडमिंटन के साथ, और खेल के 12:30 बजे करीब खेल के भिंडी और रोटी खाता था कैफे ऑफिस के कैफेटेरिया में, और फिर अपना बॉम्बे की बस जो ट्रांसपोर्ट है वो पकड़ के घर आ जाता था अपने, और सो जाता था, चैन की नींद सोता था मैं, कि मैं सब काम करके आया हूँ, अपना डेवलपमेंट लोगों को और काम दे के आया हूँ, टेस्टिंग करके आया हूँ, चैन की नींद, कोई लोड ही नहीं था मेरे को वो टाइम में, एक पैसे का लोन नहीं था, मेरे कोई बोलेगा मेरा तुम्हारा काम खराब है, मैं तुमने ये काम सही से नहीं करा, मेरे को टेंशन ही नहीं थी उस बात, इतना मैं एक्सपेक्ट करता था। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आज मैंने कोशिश किया है कि क्या क्या मैंने शुरू शुरू में किया है, क्या क्या मैंने इन्जॉय किया एज ए फ्रेशर, तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे लोग पकड़ लेते हैं आपकी बातें, कैसे लोग आपको समझते हैं, आपको हेल्प करते हैं, वो भी सब बताया मैंने आपको, और कितनी बड़ी से बड़ी गलती भी हो सकती है, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली। यस यस, यू गॉट टू बी ऑनेस्ट, अरे यार अब क्या होगा, अब तो मेरी इमेज खराब हो गई इसका, ना 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 इमेज में तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
यस इमेज तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो सब तो सोचना ही नहीं है, इमेज इमेज सब बाहर रख दो आप, बस ये कोशिश आपको बोला ना आपको अपना जजमेंट नहीं करना अपने ऊपर, बस ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई एक गलती हुई है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से सेम मिस्टेक रिपीट ना हो बार बार, यस दैट इज दैट, वो तो अवॉइड करना पड़ेगा ना, सेम मिस्टेक यानी कि बार बार डिलीट कर रहे हैं डीबी से, फिर आपको बख्शेगा नहीं लोग कोई। यस तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ज़्यादा पहले के पॉडकास्ट के मुकाबले, वो भी इंटरेस्टिंग थे बट मे भी ज्यादा मैंने यहाँ पे आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया थोड़ा मजेदार, और ये सबके साथ होते हैं ऐसे, सारे नहीं होंगे एक दो होंगे बट सबके साथ होते हैं। तो गाइस आप लोग ये मत समझिए कि मतलब कोई पॉडकास्ट है उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कई बार टॉपिक के बारे में ना, तो उसमें हम लोग इतना मजा नहीं कर सकते, मतलब उसमें हमें इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है ना, तो उसको हिसाब से रखना पड़ता है, और कुछ में आपको बहुत ह्यूमर मिलेगा, लाफर मिलेगा, लाफ करोगे। हमने कल का पॉडकास्ट डाला, हमने देखा कि लोगों ने देखा ही नहीं है वो, तो हमको थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगा है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, अपने शेयर किए अपने सर्कल में, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, प्लीज़ शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, होप प्लीज़ गाइस होप यू लाइक द कंटेंट फ्रॉम टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।